राइट, सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम साहिल वर्मा, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं स्नो ट्रेन कैंप पे और 7:30 बजे का टाइम था, तो पहुंचते अभी 8:30 बज गए हैं और अभी मैं मिलाता हूँ आपको। ये है हमारे सिंगापा जी। क्या भैया है? और हेलो तो कर दो यार। हेलो, चलो हम चलते हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम तोतू को देख रहे हैं। तोतू देखो, आलो तोतू से मिलो। ये तोतू भाई है हमारा, ये उठ जाता तो ये हमारी ग्लोबल होम मिनिस्टर है। और ये कौन है? ये भाई इधर आओ। इसका नाम है टिंकू भैया, यूपी वाले। ये क्या करता है? ये कुछ नहीं करता, ये टिकटॉक पे वीडियो बनाता है बस, और कुछ नहीं करता। तो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं, हरियाणा में एंटर कर चुके हैं और हम कालका में हैं और अभी जा रहे हैं। हमें शायद हरियाणा खत्म हो गया और अभी हिमाचल में एंटर हो गए हैं और अभी कालका में हम शायद उसी शायद नहीं वहीं पे हैं और अभी जा रहे हैं। और अभी कितना टाइम लगेगा हमें? 2 घंटे। हाँ, 2 घंटे लगेंगे लगभग। चलो मिलते हैं आगे। और साहिल भाई क्या कर रहे हो? हाँ यार, बस सनसेट देख रहा था। सनसेट नहीं यार, व्यू देख रहा था। और अभी हम आए हैं यहाँ पे खाने के लिए कुछ, और अभी भूख लगी थी तो सभी खाने के लिए रुके हैं। हम टोटल 16-17 जाने हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे सारे जिम, मेरा सर्कल, सारा जिम वाला सर्कल आया हुआ है और अभी बहुत इंजॉय करेंगे। अभी मुझे भी नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इतना पता है कि हम स्नो पे कहीं कुछ करने जा रहे हैं। लेकिन चलो आगे देखते हैं, पता नहीं बर्फ़ डली होगी या नहीं। सभी बोल तो रहे हैं कि डली होगी, लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। तो अभी आगे चलते हैं। ओके, गाइज, अभी हम यहाँ पे स्टे किया है हमने थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छी लोकेशन है, अभी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे फोटोशूट वगैरह जो भी है, फोटोशूट वगैरह हो रहा है, आप देख सकते हो पीछे। वो देखिए, अभी फोटोशूट हो रहा है। अभी इसके बाद हम जाएंगे अपनी मेन लोकेशन पे। अभी हमें लगातार 3 घंटे हो गए हैं चले को और अभी तक हम अपनी लोकेशन पे नहीं पहुँचे हैं, लेकिन देखते हैं आगे जाके हम कहाँ पे रुकेंगे। अभी मुझे भी नहीं पता, जो भी था। अभी हमने यहाँ पे स्टे किया है, यहाँ पे हम पहाड़ों के बीच, मतलब यहाँ पे रुक गए हैं। यहाँ पे सभी अपनी वीडियोज वगैरह या फोटोज वगैरह खींच रहे हैं और 2 मिनट के लिए यहाँ पे बैठेंगे आराम से, शांति में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, तो यहाँ पे रेस्ट करके चलते हैं आगे। ओके, सो गाइस, अभी हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे आए हैं और यहाँ पे हम अभी तेल पवाएंगे। मुझे हिंदी इतनी अच्छे से आती नहीं है, लेकिन पर भी फिर भी बोल लेता हूँ थोड़ा सा। लेकिन यहाँ पे अगर पेट्रोल पंप को देखा जाए तो बहुत ही अच्छी लोकेशन पे है। ये देखो, मैं पेट्रोल पंप के पीछे खड़ा हूँ। आगे साहिल, और अभी आपने मशहूर सिंगर को देखा होगा यहाँ पे हैं। अभी आपको मैं आपने इनके बहुत सारे गाने भी सुने होंगे। इनका नाम सिंगर है और ये है एमए विक। ओके, रंजीत बाबा। ओके सर, अपने गाने की एक लाइन अभी सुनाएंगे या बाद में? अरे ये सुबह से ना, ये आदमी ना झूठ बोल रहा है, ये बहुत झूठ बोल रहा है। ये
बहुत दूर आए हुए कहाँ यहाँ नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम बता नहीं सकते कि हम कहाँ पे हैं। हम यहाँ पे लोकेशन नहीं देख सकते हैं। खत्म हो जाती है वहाँ पे, ये नहीं देख सकते हैं। खत्म हो जाती है वहाँ पे। गाइस अभी हम 9 बजे से चले हुए हैं और अभी 3:30 हो चुके हैं। हेलो। और अभी 3:30 हो चुके हैं। नॉन स्टॉप हमारी गाड़ी चल रही है, बीच बीच में थोड़े थोड़े स्टॉप लिए लेकिन आजो वी आर ट्रैवलिंग इन 3 cars। ओके एंड यू नो दिस पर्सन, या हु इज दिस ट्रैवल यूएस मैन जस्ट ट्रैवल एंड वी गो। दोस्तों अभी हमें पता ही नहीं है हम कहाँ पे हैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास पहाड़ हैं और रास्ते में अभी रुके हैं और आप पीछे बहुत ही अच्छे पहाड़ देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पे कोई। अभी यहाँ पे हम खड़े हैं सभी। चलो अभी जा रहे हैं, देखते हैं रास्ते में और क्या क्या होता है। हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हम यहाँ पे कुछ दिखा रहे थे इनको और अभी और इन्हें बता दीजिए अगर किसी को पता है यहाँ पे पहाड़ियों में कहाँ पे मिल सकता है। यहाँ पे मुझे थोड़ा इधर से गाड़ी आ रही है पहाड़ियों से। पर्सन इज कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग मिनिमम। व्हाट शुड वी डू? ओह माय गॉड, व्हाट शुड आई डू? यू कैन नथिंग डू बिकॉज़ हियर नो एनी नेटवर्क। सो ओह सॉरी सर, या 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 की बॉर्डर लेट हिम टॉक। यस व्हाट यू वर सेइंग? यस बिकॉज़ देयर इज नो नेटवर्क। ओह देयर इज नेटवर्क, द रिंग इज गोइंग। सो व्हाट That's it. So what happened? You don't. What is Ben Chut? That's it. Oh shit. Oh shit. Oh sorry. पहुंच चुके हैं अपने ठंड बहुत है। चक्कल पानी का पूरा चढ़ा ठंड खुला एक कम खुला और सर जी यहाँ पे आग जगाते हुए जगाते अच्छा तो भाई कितना टाइम हो गया? मैंने पता तो है नहीं लेकिन 75% 75% लोग सो गए ते आस ही जाग रहे हैं। अब तो नहीं है 30% 25% आ सारे बंदे बैठे हैं थे जी। बाकी सारी दुनिया सो रही है, लाइटा बढ़ रही है बस। अग बढ़ दी लेटर ने अग। हां अग सो रही है। फिर तुसी पढ़ाओ ना, बोलो कुछ। आ सिंगापुर हूं चुप बैठा यार। मुंह पाई भी कर दो तू बोल। Alright, so guys, अभी हमने स्नैक्स कर लिए हैं, अभी हम डिनर करने वाले हैं। तो अभी डिनर करने के लिए जा रहे हैं बस। तो चलिए अभी डिनर करते हैं पहले। ये हमारी लोकेशन है सॉरी। One, two, three, four. Here, Peter, Santa, Tootie,
भाई मेरा साडू बैठा है ठीक है भाई जे कोई सची नु चावन है दस सकदा दस सकदा बंदे बहुत सारे नंबर है जिन्हें मर्जी मर्जी कर लाइट बंद कर लाइट बंद कर के करना तो लाइट बंद कर बाहर अंधेरा पे है मुझे लग रहा है कि एक बज गया है किसके ओके अभी हम जा रहे हैं अभी अगली मॉर्निंग हो चुकी है और अभी हम यहाँ पे स्टे की थी हम लोगों ने यहाँ पे हमें 18 जने थे हम टोटल और हमें 6 मिले हैं तंबू हैं जो ये ऐसे बने हुए हैं 6 के 6 यूज़ तो हुए नहीं है लेकिन आसपास ही एक दूसरे के डल गए थे अच्छा सबसे पहले मैं आपको सबसे मिला के आता हूँ और आप रूम भी देख लेते हैं और रूम भी देख लेना चलो बाद में पहले इस वाले में चलते हैं भाई हाँ देखो ऐसे पे हुए हैं लाइट लिखता नहीं पाया थोड़ा दिखा यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कम है वैसे दिखता है लेकिन कैमरे में नहीं ठीक है और यहाँ पे बहुत ही मशहूर सिंगर अमृत मान भी डले और हाँ ये अभी हमारा तीसरा यहाँ पे सभी सो रहे हैं इस कमरे में बहुत ही मशहूर सिंगर यहाँ पे भी है जैसे कि यहाँ पे एक सिंगे पासी है और एक पता नहीं कौन थे दो और है बंदे मतलब कि यहाँ पे 4 बंदे हैं डले हुए अच्छा और जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक और बंदा है नहीं यहाँ पे 3 बंदे हैं इस हाँ आपको इधर को दिखेगा नहीं इधर चांदने में आओ दरवाजा बंद कर दे हेलो भाई यहाँ पे दिखा नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता इनको बाद में दिखाएंगे जब सारे जन इकट्ठे होंगे ठीक है इसके आगे भी एक वहाँ पे छोड़ो और ये इस टाइप का है सारा बना हुआ अगर मैं आपको सारा दिखाता हूँ ठीक है आपको सारे हम जहाँ उधर बॉनफायर की हमने रात को और बहुत सारा भंगड़े की प्रैक्टिस की आपने इसमें मैं डालेंगे मैंने वीडियोस क्लिप्स और आगे भी है इधर हम आगे जाएंगे जब घूमेंगे आपको मैं सारा यहाँ के विजिट करवाऊँगा ठीक है चलो अभी चलता हूँ ओके गाइस तो अभी मैं कुरकुरे खा रहा हूँ जो कि पॉपकॉर्न के हैं इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बटर वाला चलो आगे चलिए
ये हमारे वो हैं कैंप्स जो भी हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। अभी मैं सीढ़ियों से उतर चुका हूँ और यहाँ पे मेरा एक पॉपकॉर्न भी गिर चुका है। और आप यहाँ पे आएंगे, अभी हमने देखा तो रात में कुछ नहीं था, रात में ठंड थी लेकिन ठीक ठीक ठंड थी लेकिन बर्फ़ नहीं डली हुई थी। अभी आप यहाँ पे सारे तरफ देखोगे तो यहाँ पे बर्फ़ भी डली हुई है, मतलब बर्फ़ की एक लहर है जो वो रही हुई है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहते हैं तो ऐसे यहाँ पे तो सारा वो है, अभी रास्ता बना हुआ है वहाँ पे बॉन फायर जो भी है, मैं पहले बॉन फायर ही बुला गया, इधर को जाना है हमने। तो मैं पॉपकॉर्न खा रहा हूँ और मैं बहुत ही भूखा हूँ, जो कि मैं साहिल को भी नहीं दे रहा। मेरा नाम भी साहिल है और जो वीडियो बना रहा है उसका नाम भी साहिल ही है। और यहाँ पे पौड़ियाँ आ चुकी है दो और मैं उतर चुका हूँ। और अगर हम यहाँ से चलते जाएंगे ये थोड़े से ऊंचाई में है लेकिन बहुत ही अच्छा है यहाँ पे है। और इधर आओ आप, इधर देखोगे वहाँ पे भी पेड़ है सारे, और इधर देखोगे यहाँ पे भी सारे पेड़ हैं, और वहाँ पे एक उल्लू भी बैठा है शायद, पता नहीं कौन है वो। हाँ, और इधर को देखोगे वो देखो, हम जहाँ पे जब यहाँ पे खड़े हैं ये सारा पहाड़ आसपास पहाड़ है और यहाँ सेंटर में बना हुआ है, मैं आपको बता दूंगा ये कहाँ पे है। लेकिन ये सारा आसपास अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे पहाड़ी पहाड़ दिखते हैं हमें। और इधर भी आप देखोगे इधर भी बर्फ़ डली हुई है, ये सारा यहाँ पे मतलब सुबह सुबह बर्फ़ की एक लहर बन जाती है, शायद ओस की लहर होती है, वो ठंड की वजह से जम जाती है। और यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है सारा, इधर भी सारा बैठने के लिए बना हुआ है। और उधर आप देखोगे उधर दिखा वो दिखा, और जो ये वाली चीज़ है यहाँ पे हमने सारों ने यहाँ पे हमारा डिनर हुआ है रात को, उससे पहले मैं आपको बॉन फायर जो भी हमने किया है मैं आपको वो दिखाता हूँ हमने कहाँ पे किया था। हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे उधर जाओ, यहाँ पे सारा बॉन फायर, यहाँ पे आग जली हुई थी और यहाँ पे हमने चेयर्स लगाई हुई थी और यहाँ पे बैठ के हम एंजॉय कर रहे थे। उससे पहले हमने स्नैक्स खाए, उसके बाद हमने वहाँ पे डिनर किया। यहाँ से भी रास्ता जाता है उधर, और ये किचन है, यहाँ से सारा खाना आता है। मैं यहाँ पे चढ़ाई उतराई करके मेरी भी सांस फूल रही है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, चट्टा करेंगे ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डिनर वगैरह किया और उसके बाद हम चले गए वहाँ पे। लेकिन मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, देखिए व्यू उधर को सारा, ध्यान से जा भाई, गिर मत जाइयो। पॉपकॉर्न के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है सारा व्यूज, क्योंकि ये बटर वाले हैं। तो यहाँ पे चढ़ाई है, अगर मैं गिर गया तो मुझे उठाने वाला भी कोई नहीं होगा और वीडियो आ जाएगी। हाँ, अभी यहाँ पे आप देखोगे, हाँ यहाँ पे खड़के बहुत ही रिलैक्स फील होता है। अगर आप उधर देखोगे उधर भी पहाड़ियों पे घर बने हुए हैं, उधर ना जा गिर ना जाएं। इधर देखोगे ये वाला भी घर है, ये शायद ये वाला भी सारा घर बना हुआ है। और उधर भी देखोगे आप, वो देखिए कितना अच्छा उधर सनराइज हुआ है, और उधर पहाड़ों के बीच में फॉग है सारी, बहुत ही अच्छा व्यूज़ आ रहा है जैसे सीनरियों में होता है। लेकिन बहुत ही अच्छा रहा ये सारा था जो भी जगह। और इसके बाद हमने बहुत ही एक्साइटमेंट चीज़ें करनी है, सारी एक्टिविटी होगी, जो भी होगा मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, अभी आप यहाँ का सारा व्यूज़ देखना ठीक है। तो गाइस अभी हमने वहाँ पे मैंने आपको सारा दिखा दिया, और अभी हम यहाँ इस लोकेशन पे अभी हम रील्स बनाएंगे, तो चलो रील्स बनाते हैं। आप मेरे, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखी तो आप रील्स चेक कर लो,
रील्स देख सकते हो। ओके बाय। अच्छा सिंगे भी अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? अभी हम कंपटीशन के लिए जा रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या क्या होगा? उसके बाद बंची जंपिंग होगी। अच्छा रस्सी पे लम के दूसरे पहाड़ पे जाएंगे। ट्रैकिंग के लिए निकल रहे हैं, सारे रेडी है, बस आ रहे हैं, सारे बस जाने के लिए तैयार हैं। चलो वहाँ पे मिलते हैं अब। पुछ दी है टोर जट्टा दी। और यहाँ पे सारा भरा हुआ जंगल है। यहाँ पे आप यहाँ पर जंगल में यहाँ पे शाम जंगल में जंगल होएगा, जंगल में एक्टिविटी होएगी। ये जंगल नहीं वैसे ये पहाड़ है, पहाड़। ये कैसा टोआ पाटा है? साहिल क्या हो रहा तेनू? स्टार्ट हो चुके हैं, हम रैंपिंग के लिए जा रहे हैं। वो देखिए हमारे दो और सदस्य चले गए हैं। कीड़ा जगह आता तुम्हें, और इसके बाद मेरी टर्न आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ कीड़ा जगह। We will do it.
अच्छा गाइस अभी हमारी बारी आने वाली है और अभी इसके बाद मैं जाऊंगा और तीन चार जने जाएंगे और इनकी बारी खत्म हो रही है अभी। बंद हो गया। अच्छा दृश्य है, ये पीछे क्लाउड है सारे। ओ ऑलराइट सो गाइस अभी हमारा सफर यहीं पे खत्म होता है। आपने होप सो बहुत सारा एंजॉय किया होगा और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। ओके बाय, गुड नाइट।